सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। होली पर ग्रामीण अंचल में आज भी परंपराएं हैं सजीव। नाला निर्माण को लेकर मुस्लिम समाज का धरना। खाटू श्याम जी की निकाली पालकी यात्रा। अब समाचार विस्तार से। होली पर ग्रामीण अंचल में आज भी परंपराएं हैं सजीव। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार सरूगंज कस्बे समेत आसपास ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में होली पर सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं आज भी देखने को मिलती है। रीति रिवाज की समरसता से होली दहन के बाद रात्रि में 12 माह के नवजात शिशुओं को ढूंढो दसव की रस्म से समाज के गैरियों की प्रथा से शिशुओं को ढूंढाने की प्रथा होती है। गैरी रात्रि में चंग की थाप पर होली के गीत गाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में समाज के रीति रिवाज के अनुसार एक साल में शादी हुए दूल्हे भी होलिका की परिक्रमा लगाकर होली की राख का तिलक लगाते हैं तथा समाज की परंपरा को ग्रामीण परिवेश में बखूबी से रखते हैं। इस दिन होली दहन स्थल पर मेले जैसा माहौल होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रंगों के पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर सरपंच कुंदन कुंवर, उप सरपंच बैर सिंह दिया, ग्राम विकास अधिकारी इंद्रपाल सिंह के साथ समस्त वार्ड पंचों की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिलेवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत उंदड़ी बोरवाड़ा, पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर। रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व पर सरपंच बानाराम सुतार, उप सरपंच चंदर कंवर, ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार देवासी के साथ रोजगार ग्राम सहायक एवं समस्त वार्ड पंच की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिलेवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत आकोली, पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर। रंगों के पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर सरपंच हेमंत कंवर, उप सरपंच जोगाराम मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी कानाराम मानी के साथ रोजगार ग्राम सहायक एवं समस्त वार्ड पंच की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिले वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चंदना सरपंच नैन सिंह चौहान, उप सरपंच हिमताराम मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी कानाराम मानी एवं रोजगार ग्राम सहायक समस्त वार्ड पंच की ओर से होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चांदना, पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर। रंगों भरे त्योहार होली के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत रायपुरिया सरपंच रीना मेघवाल, उप सरपंच नीता राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी हरीश सिंह राजपुरोहित के साथ रोजगार ग्राम विकास सहायक समस्त वार्ड पंच की तरफ से क्षेत्रवासियों, जिलेवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत रायपुरिया, पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नाला निर्माण को लेकर मुस्लिम समाज का धरना। लेकी अमर की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले के सबसे बड़े शहर आबूरोड में ईदगाह के पास गुजरने वाला शहर के सबसे बड़े नाले को टेंडर होने के बाद भी ईओ द्वारा वर्क ऑर्डर नहीं देने को लेकर मुस्लिम समाज आबूरोड द्वारा नगर पालिका के बाहर धरना देकर वर्क ऑर्डर देने की मांग को लेकर किया जा रहा है। नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों की मांग है कि पिछले एक साल से नाराज सदस्य जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जल्द से जल्द नाले का निर्माण करवाया जाए। शहर के ईदगाह चेक करने वाले शहर का सबसे बड़ा नाला जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। नाला टूटने से नाले का पानी ईदगाह के बाहर से गया है। साथ ही शहर के ईदगाह चेक करने वाले शहर का सबसे बड़ा नाला जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। नाला टूटने से नाले का पानी ईदगाह के बाहर निकलता है, साथ ही बारिश के दिनों में पानी ईदगाह में घुस जाता है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है।
ईदगाह के पास में होकर के एक रास्ता जो है सातपुर गांव में जाता है और राजस्व रिकॉर्ड के अंदर रास्ता दर्ज है। उसके पास में एक नगरपालिका का नाला है जो पूरे शहर का गंदा पानी उस नाले में उतर के आता है। नाला जगह जगह से टूट चुका है और करीब एक साल पहले नगरपालिका ने उस नाले को बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। टेंडर खुल भी चुके हैं लेकिन पिछले एक साल से वो टेंडर जो है वर्क ऑर्डर इशू नहीं किया जा रहा है जानबूझ करके। बरसात के अंदर उस नाले में पानी का बहाव तेज होता है और वो पानी जो है ईदगाह की दीवार को तोड़ करके ईदगाह में घुस जाता है जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। खाटू श्याम जी की निकाली पालकी यात्रा। लई कीमत की रिपोर्ट के अनुसार होली के पावन पर्व पर जहां एक ओर लोग अपने आनंद में डूबे रहते हैं वहीं खाटू श्याम मंडल द्वारा श्याम बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में वृंदावन की होली का आनंद दिलाया गया। तुलेटी के दिन सवेरे पत्थर गली से मंडल द्वारा श्री श्याम बाबा की पालकी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। बैंड बाजों की धार्मिक धुनों पर श्री श्याम बाबा की जयकारों व पुष्प गुलाल को आसमान में उड़ाते हुए भक्त कृष्ण लीला में नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं शहर में निकली इस शोभा यात्रा में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान महिला मंडली ने भजनों की प्रस्तुति दी एवं पूरा आसमान सतरंगी रंगों से नहाया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कब फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।